हे नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो यूपीपी वीडियो स्पेशल ये वीडियो है और भारत की प्रमुख नदियों टॉपिक है और विशेषकर नदियों से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उससे रिलेटेड मैंने ये पीडीएफ बनाया है और आपको बता रहा हूँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो और 100% यहाँ से आएगा जैसा कि लिखा है, तो 100% यहीं से आएगा। तेज़ी से फास्ट रिवीजन हम करेंगे, उससे पहले आप अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये भारत का मैप है जिसमें मैंने नदियों को प्रदर्शित करने की और आपको पहचानने की पूरी कोशिश की है। तो नदियों की बात करें तो भारत में दो प्रकार की नदियां बहती है, एक हिमालय नदियां जो हिमालय आप हिमालय का क्षेत्र जानते हैं इस प्रकार से बटा हुआ, एक हिमालय नदियां जो हिमालय से निकल के जाती हैं और एक प्रायद्वीपी नदियां। तो हिमालय नदियां आप देख ही रहे होंगे, प्रायद्वीपी नदियों की बात करें इधर नीचे आएंगे तो आपको महानदी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार, बैगा, ये सारी आपकी प्रायद्वीपी नदियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे हिमालयी नदियां, चूंकि ऊपर से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पंजाब पड़ता है। पंजाब को आप जानते हैं, पंजाब आप देखिए एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ हिंदी का, पंजाब कौन सा समास आप मुझे कमेंट करके बताएगा। तो पंजाब को हम बोलते हैं पांच नदियों का समूह। तो पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे पांच नदियाँ बहती हैं। कौन सी नदियाँ हो गई, एक झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये पाँचों नदियाँ बहती हैं। और इन पाँचों नदियों की बात करें तो किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से निकल के मानसरोवर के पास एक राकस्थल पड़ता है, यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए यहां से देखिए चाइना में पड़ता है, ठीक है, मन ये भाग चाइना में जाता है। उसके बाद यहां से आते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए यहां पे आएंगी और यहां पे ये पांचों जो सहायक नदियां इसकी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये इसमें मिलती है, उसके बाद जाके कहां पे अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है और भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु नदी समझौता। इसके अनुसार यह कहा गया था कि जो भारत जो सिंधु नदियाँ और उसकी जो सहायक नदियाँ उसका केवल 20% पानी ही भारत उपयोग कर सकता है। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु भारत की टोटल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। सिंधु की टोटल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। और भारत में बात करें, भारत में 1114 यानी कि जम्मू कश्मीर में जो सिंधु नदी बहती है उसकी 1114 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर के राकस्थल से सिंधु नदी निकलती है। तो ये तो हो गए सिंधु नदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब आते हैं मेन जो हमारा दूसरा टॉपिक है, गंगा नदी। गंगा नदी की बात करें, यहाँ देवप्रयाग सॉरी गंगा नदी यहाँ से गंगोत्री से निकलती है, इसके बारे में ये ध्यान रखिए। और यहाँ से निकलने के बाद मेनता एक बात आप ध्यान रखिए, गंगा जहाँ से निकलती है मतलब गंगोत्री के गोमुख हिमालय से जहाँ से निकलती है वहाँ पे इसका नाम गंगा नहीं होता। यहाँ से निकल के आती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में आती है। और एक और नदी आती है भागीरथी, सॉरी अलग, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ जब मिलती हैं उसके बाद इसका नाम हो जाता गंगा। एक क्वेश्चन आपका कभी कभी पूछ लेता है, गंगा जो है वो अपना नाम गंगा कहाँ पे प्राप्त करती है। तो यहाँ पे देखिए अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ आके मिलती है, यहाँ से ये बहता गंगा हो जाता है। और ये जगह है जहाँ पे है वो है क्या है, देवप्रयाग। याद रखिएगा देवप्रयाग में अपना नाम गंगा प्राप्त करता। तो गंगा नदी, ये ध्यान रखिए गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप नीचे आएंगे, बांग्लादेश में एक पड़ता है सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो गंगा हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए गंगा और यहाँ पे यमुना मिल रहे हैं, कहाँ पे, ये जगह है आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद था अभी पुराना प्रयागराज। और गंगा, यमुना और सरस्वती यहाँ पे तीन नदियाँ मिलती है, तो ये संगम है। तो यमुना की बात करें, यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आप ध्यान रखिएगा, यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो आके किस में मिलती है, गंगा में मिल जाती है। तो यमुना से रिलेटेड भी प्रश्न हम पढ़ना जरूरी है। तो यमुना की बात करें, यमुना निकलती है कहाँ से, बंदरपुच की पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री हिमालय से, यहाँ पे पड़ता है बंदरपुच की पश्चिमी ढाल यमुनोत्री हिमालय से यमुना निकलती है और ये प्रयाग आके गंगा में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें, पूछा जाता है 1375 किलोमीटर और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो गंगा नदी में आके मिल जाती है। यमुना की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नदियाँ यमुना में मिल जाती हैं, ठीक है, चंबल, बेतवा, केन यमुना में मिल जाती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने पढ़ाया था जियोग्राफी में अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से यहाँ पे तीन नदी निकलती है। तीनों नदियाँ में देखेंगे एक हमारा होता है सोन नदी, पहला हमारा सोन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ियाँ यहाँ से जो नदी निकलती है, तीन नदी निकलती है, तीनों नदियाँ तीन तरफ जाती है। यहाँ से हम देखेंगे हमारी एक सोन नदी निकलती है, सोन नदी इधर पूर्वी तरफ जाती है और पूर्वी तरफ जाके गंगा में मिल जाती है। अब बताइए सोन नदी और गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो पटना पड़ता है बिहार में, एक
राज्य है, सॉरी बिहार में एक जगह है पटना, बिहार की राजधानी है, तो यहाँ पे जाके सोन नदी आपका पटना मिल जाती है पटना में, और उसके बाद महानदी इधर से आके यहाँ पे गिर जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, और नर्मदा इधर निकल के अरब सागर में जाके मिलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ से तीन नदी निकलती हैं और तीनों तीन तरफ जाती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक देखें आप कौन कौन सी है, सोन नदी है और महानदी है और नर्मदा नदी, इन तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक अरावली की पहाड़ी से एक नदी निकलती है लूनी नदी। लूनी नदी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अरावली की पहाड़ी से निकलने वाली सिंगल नदी है, और ये लूनी नदी आगे जाके कच्छ के रण में अपने आप गायब हो जाती है। उसके बाद बात करें हम गोदावरी नदी की, गोदावरी नदी आप देख रहे होंगे कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर जो आप आएंगे मैप में देखेंगे तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, एक नासिक जिला, तो यहाँ से निकलती है और ये जाके कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। मैंने बना दिया मैप में देखने के लिए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465, और यह ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे को, इस नदी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं, क्या कहते हैं, साउथ की गंगा, साउथ में है, दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा किसको, गोदावरी को, या फिर वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और यहाँ से एक और नदी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की बात करें महाबलेश्वर के पास से निकलती है और यह भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। यहाँ पे कावेरी नदी आप देख सकते हैं, और दक्षिण की खाड़ी, ये इधर अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जहाँ पे देखेंगे आपका ये गंगा नदी निकल के आती है और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये दोनों मिल के ही आपका क्या बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुंदरबन डेल्टा वाला टॉपिक, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आते हैं आप कुछ प्रश्न पे जो मैंने बनाया है। सुंदरबन डेल्टा की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मेल से बनता है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलके बनाते हैं क्या, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। लूनी अरावली पर्वत से निकलकर कच्छ के रण में गायब हो जाती है, तो लूनी नदी है कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से, और वो कच्छ के रण में गायब हो जाती है, ये मैंने बताया, ठीक है, लूनी नदी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अमरकंटक की पहाड़ियों से तीन नदी निकलती है, पहली नदी मैंने सोन बताया था जो दक्षिण की तरफ गंगा से मिलती है, नर्मदा बताया था जो अरब सागर में मिल जाती है, और महानदी बताया था जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो तीन नदियां सोन हो गई, नर्मदा हो गई, महानदी, तीनों तीन तरफ जाती हैं। नर्मदा व ताप्ती के बीच सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी यहां पे आप देख सकते हैं, एक नर्मदा है, ये नर्मदा है, ये ताप्ती है, इनके बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें महानदी पर हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में स्थित है, और यह सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है और यह महानदी पर स्थित है, कहाँ पे, उड़ीसा में। अब आते हैं कुछ और प्रश्न आपके भारत की नदियों से रिलेटेड। सबसे पहले सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, वह कहाँ, अरब सागर में गिर जाती है, तो सिंधु नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु लंबी नदी की लंबाई मैंने बताई थी 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में जो इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा सिंधु नदी भारत के सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता, जिसके तहत सिंधु नदी का केवल 20% सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उसका सिर्फ 20% पानी ही भारत यूज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें गंगा नदी की, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय से निकलती है, वह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई 2525 किलोमीटर, भारत में टोटल 2525 किलोमीटर है, और गंगा नदी अपना नाम जो देवप्रयाग में बात करती प्राप्त करती है, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है, ठीक है। जहां पे गंगा निकलती है वहां से उसका नाम गंगा नहीं होता है, लेकिन जब भागीरथी अलकनंदा दोनों साथ में मिलती है, वो जगह है देवप्रयाग, वहां पे अपना नाम गंगा प्राप्त करती है, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यमुना, चंबल, गागरा, गंडक, कोसी, सोन, यह सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी देखेंगे बंदरपुच के पश्चिमी ढाल पर स्थित हेमुनोत्री हिमालय से निकलती है, वह अपना जो प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है, और यह सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील्स के पास से चिम्बा युम्बा दुंग ग्लेशियर से निकलती है, ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र भी इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा गंगा के साथ मिलकर बनाती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित चिम्बा युम्बा दुंग ग्लेशियर से निकलती है। चीन तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, चीन तिब्बत में सांगपो है, और भारत में देखिए अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे प्रवेश करती है वह उसका नाम दिहांग दर्रा से ये भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अगर जो मैंने मैप बनाया हो मुझे याद नहीं, अभी देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बनाया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ जो जो जहाँ पे प्रवेश करती है भारत में वहाँ पे चिंगा उंगा दुंग ग्लेशियर है, ठीक है, सॉरी सांगपो, ठीक है।
ये दिहांग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें असम में ब्रह्मपुत्र व बांग्लादेश में जमुना। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र का जो नाम है वो ब्रह्मपुत्र है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी गिर जाती है। नर्मदा की बात करें यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है व खम्पात की खाड़ी में गिर जाती है। तो नर्मदा भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नर्मदा की लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है। और ये देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है, जबलपुर में एक जगह है भेड़ाघाट, यहाँ पे एक पड़ता है कपिल धारा या जिसे हम धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं, ये बनाता है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में धुआंधार नामक झरने या जलप्रपात का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यमुना नदी की बात करें सबसे बड़ी सहायक नदी है। हुगली कोलकाता में गंगा नदी की एक सहायक नदी है। गंगा व ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ देखिए, पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ जो पूरब की ओर बहती हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार तथा महानदी। पश्चिमी प्रवाह वाली नदी देखिए, पूर्वी प्रवाह वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी डेल्टा बनाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ जितनी भी नदियाँ वो डेल्टा नहीं बनाती, तो नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, गग्गर, साबरमती ये सारी नदियाँ डेल्टा नहीं, भाई कई बार पूछा गया नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो पश्चिमी प्रवाह वाली जितनी नदियाँ हैं तो उतनी डेल्टा नहीं बनाती। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत की कुछ प्रमुख झीलें जो आपके यूपीपी वीडियो एग्जाम के बेसब्री से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।